since we decided to fast and pray for 3 weeks, हम लोग ले तीन सप्ताह तक फास्टिंग प्रेयर करने के लिए हम लोग निर्णय लिए इसलिए. I want you to understand the spirit behind our fasting and praying. मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ पाए जो आत्मा है फास्टिंग के पीछे में. Why we should fast and pray? क्यों हम लोग को फास्टिंग करना है और प्रार्थना करना है. And what happens when we fast and pray? और क्या होता है जब हम लोग उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं. So that you will be fasting with a clear understanding from the word of God. कि आप लोग उपवास रख सकेंगे परमेश्वर का वचन से, वचन को समझ के. Especially when you feel that your life is not moving forward. विशेष करके आप जब महसूस करते हैं कि आपका जीवन आगे नहीं चल रहा है. You feel you're stuck in a place that you cannot move yourself out of it. आपको ऐसा लगता है कि ऐसा जगह में आप फंस गए हैं कि आप वहां से निकल नहीं पा रहे. You don't know which way to go. आपको पता नहीं चलता है कि कहां पे जाना है. You don't know what to do. आपको पता नहीं चलता है क्या करना है. And whatever you do, nothing seems to go in a right direction. और जो भी आप करते हैं कोई भी चीज सठीक रास्ते में नहीं जाता है. Life never seems to enjoy a breakthrough or victorious moment. और जीवन में कभी जय लाभ नहीं होता है या ऐसा चीज नहीं आता है. Today I want you to know that there is a way to break free from that kind of life. मुझे आप आज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि ऐसा एक जीवन जीने के लिए रास्ता है. There is a way to enjoy victory in life. ऐसा एक रास्ता है जहां पे हम लोग जय लाभ कर सकते हैं. There is a way in which you can experience freedom from the bondage. ऐसा एक रास्ता है जहां पे हम लोग आजादी पा सकते हैं हम लोग का बोझ से. And that is when we fast and pray and seek God. और वो रास्ता है जब हम लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को ढूंढते हैं. Sometime in life God answers simple prayer. कभी-कभी परमेश्वर बहुत साधारण प्रार्थना को उत्तर देता है. But there are other times we see people fasting and struggling in prayer. लेकिन दूसरे समय में हम लोग देखते हैं कि लोग उपवास रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं. Because the spirit of fasting and praying and struggling in prayer tells that you really want a breakthrough in life. क्योंकि जो आत्मा से आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, इससे दिखाई देता है कि आप जीवन में एक आजादी चाहते हैं. So if you fast and pray, इसलिए आप अगर उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, you are telling God, I am desperate to see victory in this part of my life. आप परमेश्वर को बोल रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझे इस जीवन का इस जगह से मुझे उद्धार चाहिए. I have tried my best. मैं अपना पूरा कोशिश किया हूँ. But today I humble myself. लेकिन आज मैं अपने आप को नम्र करता हूँ. Because fasting is one way of humbling before God. क्योंकि उपवास एक रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टि में नम्र होते हैं. You're telling, I tried everything, I failed, I need you. आप परमेश्वर को ऐसे बोलते कि हाँ, मैं सब कुछ किया हूँ, मैं फेल हुआ हूँ, मुझे अभी आपको चाहिए. I looked help from the human being. I looked help from here and there. मैं मनुष्य के पास गया सहायता ढूंढने के लिए. मैं इधर उधर गया. I thought I could help myself. मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपने आप को सहायता कर सकूं. But Lord, there is no way. लेकिन परमेश्वर ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला मुझे. I admit I need your help. परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे आपका सहायता चाहिए. I accept I am a weak person, needy person. मैं मानता हूं कि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं और मुझे चाहिए आपको. There are many people who refuse to pray because they have this inbuilt pride in themselves. और बहुत लोग ऐसा है जो प्रार्थना नहीं करता है क्योंकि उसका उनके अंदर में एक घमंड रहता है जो उसको दिखाई नहीं देता. For some reason they refuse to bow before God. किसी कारण के कारण वो लोग परमेश्वर के सामने झुकते नहीं है. Either from their traditions or from their positions or for their personality, they are proud. उन लोग का ट्रेडिशन हो या उन लोग का पर्सनैलिटी हो या ऐसा कुछ चीजों के लिए वो लोग नहीं झुकते हैं, उनके अंदर में घमंड होता है. But the people who start fast and pray, they are telling God, I humble myself. लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वो लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके सामने नम्र हुआ हूं. And that's why I say humility is a gateway to enter into God's grace and favor. इसीलिए मैं बोलता हूं कि नम्रता
एक ऐसा रास्ता है जहां से हम परमेश्वर का अनुग्रह में घुस सकते हैं. If you're a proud person, अगर आप एक घमंडी व्यक्ति हैं, forget about the grace of God. आप परमेश्वर का अनुग्रह को भूल जाइए. But if you're a humble person, लेकिन आप अगर एक नम्र व्यक्ति हैं, the day you humble yourself, जिस दिन आप नम्र होंगे, God will lift you up. परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा. God gives grace to the humble. परमेश्वर अनुग्रह को नम्र लोगों को देता है. But he resists the people who are proud. लेकिन वो इनकार करता है जो लोग घमंड में हैं. Then I say, we must trust and depend on God when we fast. और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि हमें विश्वास करना है और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है जब हम लोग उपवास रखेंगे. When you say no to food, जब आप खाना को इनकार करते हैं, you're telling yes to God. आप परमेश्वर को हाँ बोलते हैं. You're telling I rather die than not depend on God. आप परमेश्वर को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊं अगर मैं मरना ही अच्छा है अगर मैं परमेश्वर को स्वीकार ना करूं. So I accept, Lord, I live by faith in you. इसीलिए मैं स्वीकार करता हूं परमेश्वर की मैं आपको आपसे भी आपको विश्वास करके मैं जीता हूं. Man will not live by bread alone. मनुष्य खाली रोटी से नहीं जिएगा. But by the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन से जिएगा. So today I'm refusing my food. इसलिए आज मैं अपना खाना को इनकार कर रहा हूँ. Because I believe I live by the word of God. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन से जी रहा हूँ. I want to live by the word of God. मैं परमेश्वर का वचन से जीना चाहता हूँ. I want to live by the grace of God. मैं परमेश्वर का अनुग्रह से जीना चाहता हूँ. I want to humble and I want to receive God's grace. मैं नम्र होना चाहता हूँ मैं और परमेश्वर का अनुग्रह को मैं पाना चाहता हूँ. I refuse to depend on the food. मैं खाना के ऊपर निर्भर होना मैं इनकार करता हूँ. I refuse to depend on myself. मैं अपने ऊपर डिपेंड होना इनकार करता हूँ. But I choose to depend on the word of God. लेकिन मैं परमेश्वर का वचन में निर्भर होने के लिए मैं स्वीकार करता हूँ. So this is how, if you sincerely fast and pray, you're telling God, I humble myself and I put my trust in you. और इस तरह जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं और sincerely आप लोग उपवास रखते हैं तब परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं. And the Bible says, और बाइबल बोलता है, when a person humbles himself or herself, एक व्यक्ति जब अपने आप को नम्र करता है, and when a person walks in the fear of God, और एक व्यक्ति जब परमेश्वर का भय में चलता है, a person who walks in godliness and righteousness, एक व्यक्ति जो धार्मिकता और ईश्वरीयता में वो चलता है, God will bless them with the spirit of wisdom. परमेश्वर उस व्यक्ति को ज्ञान का आत्मा से आशीष देगा. God will bless that person with wealth. और परमेश्वर उस व्यक्ति को धन से आशीष देगा. God will even bless that person with good health. और परमेश्वर उस व्यक्ति को अच्छा स्वस्थ से भी आशीष देगा. And these things will increase the quality of your life. और ये सारे चीजें आपका जीवन का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएगा. So there are many people in the Bible who have fasted and prayed and sought this kind of life. और बहुत सारे ऐसा लोग है बाइबल में जिसने उपवास किया और प्रार्थना किया और ऐसा जीवन को ढूंढा. Moses fasted for 40 days twice. मोसेस ने 40 दिन के लिए फास्टिंग किया था दो बार. And Jesus fasted for 40 days. और जीसस ने 40 दिन तक फास्टिंग किया था. They were telling we live by faith in God. वो लोग ये बोल रहे थे कि हम विश्वास के द्वारा जीते हैं परमेश्वर पर. Food is not the everything in life. खाना सब कुछ नहीं है जीवन में. We do not live by bread and nor for the stomach only. हम ब्रेड के लिए रोटी के लिए नहीं जीते हैं या पेट के लिए भी हम नहीं जी रहे. We live by faith in God. हम परमेश्वर के लिए जी रहे विश्वास के द्वारा. Or we live for God. या हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं. So these in between Moses and Jesus, there are many other people in the Bible who fasted and prayed. और मोसेस और जीसस के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे बाइबल में जिसने प्रार्थना किया और उपवास रखा. Is your life in a pit? आप लोग का जीवन क्या गड्ढा में है? Do you want to change circumstances of your life? आप लोग अपने जीवन का परिस्थिति को चेंज करना चाहता है? Are you happy with who you are and what you have? आप लोग आनंद है कि अपना जीवन में क्या आप लोग के जीवन में जो भी है या आप लोग जो है? Or do you want to change something? या आप लोग अपना जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है? Do you want to grow? आप लोग जीवन में बढ़ना चाहता है? Do you want to increase? आप लोग वृद्धि होना चाहता है? The surest way is to humble yourself and start fasting and praying for that particular area. और सबसे सही रास्ता है कि आप लोग नम्र हो जाए और प्रार्थना कीजिए और उपवास रखिए और उस जगह के लिए प्रार्थना कीजिए. As we fast for these 3 weeks now, जब हम उपवास रखेंगे ये 3 सप्ताह में,
तीन सप्ताह तक यू कैन ब्रिंग वट एवर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ. आप लोग जो भी आप लोग का जीवन में कष्ट पा रहे हैं उसको आप ले आ सकते हैं. We see in the Bible people fasting and praying for many different type of things. हम लोग देख सकते हैं बाइबल में कि लोग उपवास रख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे बहुत सारे चीजों के लिए. But I will just list a few today. लेकिन मैं कोई थोड़ा थोड़ा पॉइंट में देखूंगा आज. First, Ezra was a man who fasted for God protection over their journey. और एज्रा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना किया था जब वो जा रहा था एक जगह में. This time the people of God were living in exile as bond in bondage. और इस समय जो परमेश्वर का लोग था वो लोग एक्साइल में था और बोझ में था. And God had somehow begin to restore their nation. और परमेश्वर किसी तरह उन लोग का देश को उसको फिर से वापस आशीष दे रहा था. So Ezra was leading the people of Israel away from Babylon to Jerusalem. और एज्रा अपने लोगों को बेबीलोन से जेरूशलेम तक लेके जा रहा था. The king had given them gold and silver in huge amount. और राजा ने सोना और चांदी को बहुत सारे अमाउंट में वो लोग को दिया था. And there were many men, women and children. और बहुत सारे वहां पे पुरुष भी थे, महिला भी थे और बच्चे भी थे. From Babylon to Jerusalem it takes about 3-4 months of journey. और बेबीलोन से जेरूशलेम तक 3-4 महीना का जर्नी है. And along the way there would be many robbers and bandits. और उसी रास्ते में बहुत सारा डाकू और ऐसे चोर भी रहते थे. So when Ezra saw huge amount of gold and many women and children and very few men. और एज्रा ने जब देखा कि बहुत सारे चोना चांदी है और थोड़ा पुरुष है, महिला है और संतान है. He said, "Let us fast and pray for God to protect us." उसने बोला कि आइए हम लोग सभी उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे. So this is how he says. और इस तरह वो बोलता है. There by the Ahava canal, I proclaimed a fast. और वहाँ पे अहवा कनाल में मैंने एक उपवास रखने के लिए मैंने प्रोक्लेम किया. So that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children. कि हम लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें और हम हमारे लिए और हमारे संतानों के लिए एक सुरक्षित यात्रा को हम लोग प्रार्थना करें. And then let's continue. I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us. और मैं मुझे लज्जा लगा कि मैं राजा को सेना और कोई घोड़े में आने वाला सेना को मांगू कि हमें रक्षा करे. Because I had told the king, he says, the gracious hand of God is on everyone who looks to Him. क्योंकि मैंने राजा को बोला कि जो अनुग्रह वाला हाथ परमेश्वर का है वो सभी को देखता है. But his anger is against all who forsake him. लेकिन उसका गुस्सा सभी के ऊपर है जो उसको त्याग करता है. And verse 23, he says, so we fasted and petitioned our God about this. इसलिए हम लोग उपवास को रखे और परमेश्वर का इसके विषय में हम लोग ने प्रार्थना की. And he answered our prayer. और उसने हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया. Ezra and all the people of Israel fasted for 12 days by this Ahava canal. और Ezra और उसका और सारे इसराइली इस अहाबा कनाल के वहाँ पे वो लोग ने 12 दिन तक फास्टिंग किया. एंड देन दे मूव्ड फ्रॉम बेबीलोन टू जेरूशलेम विदाउट एनी बैड एक्सपीरियंस. और वहाँ से उन लोग ने बेबीलोन से जेरूशलेम तक आया और उन लोग का जीवन में कोई भी गलत चीज नहीं आया. सो व्हाट वी सी हियर इन लाइफ मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ सम डेंजर अहेड ऑफ यू. और मैं यही बोल रहा हूँ कि जीवन में शायद आप लोग कोई डेंजर के लिए आप लोग डर रहे हैं. You're not sure how to cross over that river or that problem. आप लोग श्योर नहीं है कैसे उस नदी से आप पार हो या उस प्रॉब्लम से आप पार हो जाए. There may be some enemies trying to destroy your life. शायद कोई शत्रु आपका जीवन को ध्वंस करना चाहता है. When you face situations like that, ऐसा जब परिस्थिति आप लोग जब फेस करते हैं, the best solution is to fast and pray and humble before God. और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे है कि आप लोग पोस्ट करें और अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने. फास्ट एंड प्रे फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन ओवर योरसेल्फ, योर फैमिली, योर बिजनेस, व्हाटएवर इट इज. उपवास करें और प्रार्थना करिए और परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपका फैमिली के लिए और जो भी आपको चाहिए इसके लिए. इफ यू आर अ मदर यू नीड टू फास्ट एंड प्रे फॉर योर फैमिली. आप लोग अगर एक माँ है तो आप अपना परिवार के लिए उपवास करिए और प्रार्थना कीजिए. फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर हस्बैंड एंड फॉर ऑल दोस दैट यू लव इन योर लाइफ. आपका संतान, आपका जीवन में जो भी आप प्यार करते हैं उसके लिए आप
उपवास करिए और प्रार्थना कीजिए. If you're a Christian mother, if you're a Christian wife, and you never fasted and prayed for your family, अगर आप एक क्रिश्चियन माँ है या क्रिश्चियन पत्नी है, अगर कभी भी आपने उपवास नहीं रखा और प्रार्थना नहीं किया अपना परिवार के लिए, you have not understood the blessings that God could have given to you. आपने कभी समझा नहीं जो आशीष परमेश्वर आपको देने के लिए रुक रहा है. If you're a father, you have never fasted. If you're a man, you have never fasted for your family. अगर आप एक पिता है, आपने कभी भी उपवास नहीं रखा अपना परिवार के लिए, अगर तो You have opened the door for the enemy to come and attack. आपने एक दरवाजा खोल दिया अपना जीवन में शत्रु आके आपको अटैक करने के लिए. So Ezra fasted and prayed, and many other leaders fasted and prayed for God's protection. इसलिए एज्रा ने उपवास रखा और प्रार्थना किया, और बहुत सारे ऐसा लीडर्स ने प्रार्थना किया. Then after that we see another man fasting and praying. और आप हम उसके बाद और एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने उपवास रखा और प्रार्थना किया. And Nehemiah also fasted and prayed for something. और नेहमिया जो उपवास रखा और प्रार्थना किया कुछ चीज के लिए. That we see in chapter 1. The whole chapter is about fasting and praying. और वो हम फर्स्ट किंग चैप्टर 1 में हम देख सकते हैं पूरा चैप्टर फास्टिंग और प्रार्थना के लिए. फर्स्ट किंग फर्स्ट नेहमिया चैप्टर फर्स्ट नेहमिया चैप्टर 1. लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 4. हम लोग वर्स 4 से देखेंगे. व्हेन आई हर्ड दीस थिंग्स आई सैट डाउन एंड वेप्ट. जब मैं ये चीजों को देखा तब मैं बैठ के मैंने रोया. फॉर सम डेज आई मॉर्न एंड फास्टेड एंड प्रेड बिफोर द गॉड ऑफ हेवन. और कुछ दिन तक मैं रोता रहा, परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उनको प्रार्थना करते रहा. एट दिस टाइम नेहमिया वाज इन बेबीलोन इन सुस इन पर्सिया. और इस समय नेहमिया बेबीलोन में था. ही वाज द चीफ कप बेयरर इन द पैलेस. और वो वहां पे राजा के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति था. वो वहाँ पे एक राजा के लिए विशिष्ट व्यक्ति था. एंड ही हर्ड समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ गॉड इन जेरूशलेम. और उसने जेरूशलेम के लोगों का विषय में कुछ सुना. ही सेड जेरूशलेम इज डिस्ट्रॉयड. उसने सुना कि जेरूशलेम ध्वंस हो गया था. द वॉल इज ब्रोकन डाउन. और जो वॉल था वो टूट गया था. एंड द एनिमीज आर मॉकिंग एट द पीपल ऑफ गॉड. और जो शत्रु था वो परमेश्वर का लोगों को थत्ता कर रहा. एंड नोबडी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ द सिटी. और कोई भी शहर को केयर नहीं ले रहा था. So when he heard the pitiful condition of the people of God, जब उसने सुना, जब ये उसने परमेश्वर का लोगों का विषय में दुख वाला बात सुना, he felt so sad. उसने उसको बहुत दुख लगा. And he didn't know what to do. वो जान नहीं पा रहा था कि वो क्या करे. So he began to fast and pray and weep. और वो उधर में अपने उस समय उसने उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा. And why did he pray? और उसने प्रार्थना क्यों किया? In verse 11 it says. Verse 11 में बोला गया है. He said, Lord, let your ear be attentive to the prayer of this servant. और परमेश्वर आपका कान इस आपके दास के प्रार्थना तक आए. And to the prayer of your servants who delight in reviving, revering your name. और जो आपका दास है, आपका नाम को उठाना चाहता है, उनके प्रार्थना को आप सुनिए. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. और आपका दास को आज जय दीजिए कि उनका अनुग्रह देके आपका उपस्थिति में. Nehemiah was fasting that God will speak to the king on his behalf. और नेहमिया उपवास रख रहा था कि प्रश्न परमेश्वर राजा को उनके बिहाफ में बात करे. Is there someone that you wanted God to speak to that person? आप लोग में से कोई भी ऐसा है क्या जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए दूसरे लोग से बात करे? Do you wish God to do something in that person's heart and mind? आप चाहते हैं क्या परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय और मन में कुछ करे? Then instead of you trying to manipulate that person into doing what you want them to do, और आप उस व्यक्ति को मैनिपुलेट ना करके जो आप उसको करना चाहता है, Start fasting and praying. आप उपवास रखिए और प्रार्थना कीजिए. And God can move that person's heart. और परमेश्वर उस व्यक्ति का हृदय को छू सकता है, उसको हिला सकता है. Whenever you face some problems in life, जब भी आप अपना जीवन में कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, Don't go and ask people for help directly. आप कभी भी तुरंत जाके लोगों को आप सहायता मत मांगिए. You start asking God, Lord, I need your help. परमेश्वर को मांगिए पहले, परमेश्वर मुझे आपका सहायता चाहिए. When you pray and when you begin to fast, जब आप प्रार्थना करते हैं और आप
उपवास रखना शुरू करते हैं, God will speak to the heart of those people. परमेश्वर उन व्यक्तियों का हृदय में बातें करेगा. And they will come and do whatever you needed. और वो आके आपका जीवन में जो भी चाहिए वो करेगा. So when you fast and pray, God will speak to other people to become solution to your problems. इसलिए जब उपवास रखते हैं और प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर दूसरे लोगों के हृदय में बातें करेगा आपको सहायता करने के लिए. Nehemiah needed king's favor. और नहमा को राजा का अनुग्रह को चाहिए था. He needed king's permission to go and work in Jerusalem. उसको राजा का परमिशन चाहिए था कि वो जाके जेरूशलम में काम करे. He needed king's money to be able to build Jerusalem. उसको पैसा चाहिए था कि वो जेरूशलम को फिर से बना सके. But for many months he fasted and prayed, never asked the king. लेकिन बहुत महीने तक उसने उपवास रखा और प्रार्थना किया, कभी भी वो राजा को कुछ भी नहीं मांगा. And one day king asked Nehemiah, what's the matter with you? What can I do for you? और एक दिन राजा आके नहमा को पूछता है कि नहमा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा क्या हो रहा है? And that time Nehemiah was given all the gold and silver money power. और उस समय नहमा को पूरा सोना चांदी शक्ति और सब कुछ दिया गया, राजा ने दिया. Instead of fasting and praying, if Nehemiah had tried to manipulate the king, he would have got nothing. और अगर फास्टिंग प्रार्थना ना करके वो राजा को मैनिपुलेट करना चाहता तो उसको कुछ भी नहीं मिलता. But Nehemiah prayed and God did a mighty work. लेकिन नहमा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक बहुत विशाल काम किया. So if you want to be a successful Christian in life, इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनना चाहता है अपना जीवन में, इफ यू वांट टू सी गॉड डू मिरेकल्स इन योर लाइफ, अगर आप चाहता है कि परमेश्वर आपका जीवन में आश्चर्य कार्य करे, लाइक नहमा यू नीड टू सीक गॉड एंड बिगिन बिलीव गॉड एंड स्टार्ट फास्टिंग एंड प्रेइंग. और नहमा के तरह आपको परमेश्वर को ढूंढना है और विश्वास करते रहना है. देन वी सी अनदर इंसिडेंट वेयर गॉड moved as a result of people's fasting and praying. और एक दूसरा इंसिडेंस में हम देख सकते हैं, जैसे जब लोगों ने फास्टिंग प्रेयर किया और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए काम किया. And this comes from the book of Esther. Esther and Mordecai and her people also saw great deliverance as a result of fasting. और ये आता है एस्थर और मोर्डेकाय का जीवन में, जहाँ पे उन लोगों को परमेश्वर ने सहायता किया, वो लोग जब उपवास और प्रार्थना किया. There was a plot to destroy all Jews in Persia. और पर्शिया में प्रत्येक यहूदी को ध्वंस करने के लिए उन लोग ने योजना कर रहा था. They were about to be destroyed. उन लोग ध्वंस होने वाला था. But because of the fasting and praying of a group of people, लेकिन क्योंकि उन लोग ने एक ग्रुप ने उपवास रख रहा था और प्रार्थना कर रहा था, God did a mighty miracle. परमेश्वर ने एक बहुत विशेष आश्चर्य कार्य को किया. Here it says, then Esther sent reply to Mordecai. और यहाँ पे बोला जाता है कि एस्थर ने मोर्डेकाय को उत्तर दिया, गो गैदर टुगेदर ऑल द ज्यूज हु आर इन सूसा, जाओ सूसा में जितना भी यहूदी है उन लोग को इकट्ठा करो, एंड फास्ट फॉर मी, और मेरे लिए उपवास रखो, डू नॉट ईट और ड्रिंक फॉर 3 days, और तुम लोग खाओ भी मत और पियो भी मत 3 दिन के लिए, आई एंड माई अटेंडेंस ऑल्सो विल फास्ट एज यू डू, और मैं और मेरा सारा अटेंडेंस भी उपवास रखेगा और प्रार्थना करेगा. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. और ये जब हो जाएगा मैं राजा के पास जाऊंगा, यदि भी ये विधान के विरुद्ध है. And if I perish, I perish. और अगर मैं मर जाऊं तो मर जाता हूं. Here, because the Jews and the Esther fasted and prayed, they received one of the greatest deliverance in history. और Jews और Esther जब उन लोग ने उपवास रखा और प्रार्थना किया, सबसे बड़ा उन लोग ने छुटकारा पाया इस हिस्ट्री में. डू यू फाइंड योर सेल्फ इन सम काइंड ऑफ बॉन्डेज? आप लोग अपने आप को कभी किसी तरह का बोझ में पाते हैं क्या? डू यू फाइंड योर सेल्फ थ्रेटन फॉर डिस्ट्रक्शन? आप कभी कभी अपने आप को ध्वंस में पाने जैसा आप अनुभव करते हैं क्या? डू यू वॉन्ट गॉड टू हेल्प यू? आप परमेश्वर आपको सहायता करे ऐसा आप चाहते हैं? डू यू वॉन्ट द power of God to come and rescue you? आप चाहते हैं क्या परमेश्वर का शक्ति आके आपको उद्धार दिए? You ought to fast and pray. आपको उपवास रखना है और प्रार्थना करना है. If you're not fasting and praying, अगर आप उपवास नहीं रख रहे और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, but you want God to deliver you, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उद्धार दे, it means you are not very serious. इसका मतलब आप ज्यादा सीरियस नहीं है. You want God to do for you, आप परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम करे, but you don't want to fulfill your part.
आप अपने लेकिन आप अपने दायित्व को करना नहीं चाहते हैं. But Esther was willing to die in order to fulfill her part. लेकिन एस्थर मरने के लिए भी तैयार था उसका उनके दायित्व को पूरा करने के लिए. And because of Esther, और एस्थर के लिए, God was pleased to deliver all the Jews. परमेश्वर को आनंद मिला सभी यहूदी को वहां से छुटकारा देने के लिए. And then finally, one more thing we want to see. और एक चीज हम लोग देखना चाहते हैं. Are you in bondage of sin? आप लोग पाप के बोझ में है क्या? Do you feel that you are far from God? आपको ऐसा महसूस होता है कि आप परमेश्वर से दूर है? Do you feel your prayers are not being answered? आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिल रहा है? There is a place where a most wicked king also fasted and prayed. यहाँ पे एक जगह था जब एक बहुत दुष्ट राजा ने भी उपवास रखा था और प्रार्थना किया था. And God had said, "I'm going to destroy this man completely." परमेश्वर ने बोला था कि इस व्यक्ति को मैं पूरा खत्म कर दूंगा. But when he fasted and prayed, लेकिन इस व्यक्ति ने जब उपवास रखा और प्रार्थना किया, God changed his mind. परमेश्वर ने इसका मन को चेंज किया. In 1 Kings chapter 21 it says in verse 27. 1 Kings chapter 21 27-28 में बोला गया है. When Ahab heard these words, जब आहाब ने इस शब्द को सुना, he tore his clothes, put on sackcloth and fasted. उसने अपना कपड़ा को तोड़ दिया और उसने बस्ता को पहन लिया और उसने उपवास रखा. He lay in sackcloth and went around meekly, humbly. और उसने बस्ता में सोया और सारों तरफ उसने नम्रता से चला. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. और तब उस परमेश्वर का वचन एलाइजा को आया जो टिस्बाइट था. हैव यू नोटिस्ड हाउ अहाब हंबल्ड हिमसेल्फ बिफोर मी? तुमने क्या देखा है जैसे अहाब ने नम्र हुआ मेरे सामने? बिकॉज़ ही हैज हंबल्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उसने मेरे सामने नम्र हुआ. आई विल नॉट ब्रिंग दिस डिजास्टर इन हिज डे. और मैं ये जो गुस्सा लाने वाला था उसका दिन में नहीं लाऊंगा. द पॉइंट हियर इज व्हेनेवर वी फाइंड आवरसेल्फ इन सिनफुल बॉन्डेज. और पॉइंट है कि जब भी हम लोग अपने आप को पाप का बोझ में हम लोग पाते हैं, Whenever we hear God's judgment coming against us, जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर का न्याय हम लोग का ऊपर आ रहा है, Because when you live in sin, you will be destroyed. क्योंकि आप लोग अगर पाप में रहते हैं तो आप ध्वंस हो गए ही. No matter wherever there is sin, जहां पे भी पाप हो, it will produce death. वो मृत्यु को लाएगा ही. But here a man who was supposed to die, लेकिन यहाँ पे जब एक व्यक्ति को मरने वाला था, he changed his mind, उसने अपना मन को चेंज किया, and he humbled himself, उसने अपने आप को नम्र किया, and he started to fast and pray, उसने उपवास रखा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, and God said, I'm going to save this man's और life. परमेश्वर ने बोला कि मैं इस व्यक्ति का जीवन को बचाऊंगा. No matter what condition you are in, आप जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, If you start fasting and praying, अगर आप उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, It will bring change. वो आपका जीवन में बदलाव लाएगा ही. Many people do not fast and pray. बहुत लोग उपवास नहीं रखता है और प्रार्थना नहीं करता है. Because they do not believe in God. क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है. They do not believe God can do it. वो विश्वास नहीं करता है कि परमेश्वर कर सकता है. And therefore, their desire to fast and pray diminishes. इसीलिए उन लोग का जो इच्छा रहता है उपवास रखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए वो गायब हो जाता है. But we see from a life of Ezra, he fasted for protection. लेकिन हम एज्रा का जीवन में देख सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन के लिए उपवास रखा था और प्रार्थना किया था. We see in Nehemiah's life, he fasted for God to speak to the king. हम नेहमिया का जीवन में भी देख सकते हैं कि उसने उपवास रखा था कि राजा आके राजा को परमेश्वर बात करे. We see in Esther's life that she fasted for the deliverance from the enemies. और एस्थर का जीवन में भी हम देख सकते हैं कि उसने उपवास रखा था कि वो शत्रु से वो लोग बच जाए. We see Ahab, he fasted and repented from his sins. और हम अहाब को देखते कि उसने उपवास रखा और अपने पापों से उसने मन को फिराया. In all these circumstances, God heard their fasting and praying. और इन सभी परिस्थिति में परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और उनको उत्तर दिया. Every one of them received God's answer. प्रत्येक जन परमेश्वर का उत्तर को पाया. Do you want to receive God's answer? आप परमेश्वर का उत्तर को पाना चाहता है? Or are you happy you are sufficient? या आप अपने जो जीवन में ही आपको आनंदित है? If you fast and pray, अगर आप उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, No matter in what place you get stuck, और जो भी जगह में आप फंसे हुए हैं, He will bring you out of that place. वो आपको उस जगह से चुरा के लाएगा. Is your dream dead?
आपका सपना क्या मर चुका है क्या? Your desire is vanished. या आपका जो इच्छा था वो गायब हो गया? Your hope is no longer there. या आपका आशा वहाँ पे और नहीं है? Try fasting and praying and seeking God. आप उपवास रख के और प्रार्थना करके आप देखिए और परमेश्वर को ढूंढिए. He can bring back your dream. He can give you the desire. वो आपका सपना को लेके आ सकता है, आपका जो इच्छा है वो भी लेके आ सकता है. He can restore your hope once again. आपका जो आशा चला गया था वो फिर से वो आशा वो लेके आएगा. Are you in bondage of sickness? आप बीमारी का बोझ में है क्या? Fast and pray and God can break that bondage. आप उपवास रखिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उस बोझ को तोड़ेगा. Are you in bondage of immorality? आप व्यभिचार का बोझ में है क्या? Are you in bondage of wrong thinking? आप क्या गलत सोच का बोझ में है क्या? In bondage of worry and fear and anxiety? आप क्या चिंता और भय और ऐसे में आप बोझ में है क्या? If you fast and pray, God will give you a peace of mind. आप उपवास और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको एक शांति का मन देगा. He will give you joy in your heart. आपका हृदय में वो आनंद को देगा. Your life will be beautiful. आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा. But many of you do not fast and pray because you don't believe in God. और बहुत सारे आप लोग में से प्रार्थना और उपवास नहीं रखते क्योंकि आप परमेश्वर में भरोसा नहीं करते. And because you don't believe in God, you continue to seek your solution in the wrong place. और क्योंकि आप परमेश्वर को विश्वास नहीं करते इसलिए आप गलत जगह में अपना सॉल्यूशन को ढूंढते हैं. But these people, they could have gone to the kings. ये लोग वो राजा के पास जा सकते थे. They could have done something by themselves. वो लोग अपने शक्ति से कुछ कर सकते थे. But they refused to do that. लेकिन उन लोग ने इनकार किया वो करने Instead, के लिए. They fasted and prayed. लेकिन उपवास और प्रार्थना किया उन लोग And ने. God did amazing things in their life. और परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य चीज उन लोग का जीवन में किया. If you are tired of your monotonous life, अगर आप थक गए आप लोग का मोनोटोनस जीवन से, स्टार्ट फास्टिंग एंड प्रेइंग. आप उपवास कीजिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए. एंड कंटिन्यू टू डू सो. और उसको करते रहिए निरंतर. एंड यू विल बी सरप्राइज व्हाट गॉड कैन डू इन योर लाइफ. और आप आश्चर्यित हो जाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में जो कर सकता है. जीसस दैट इज व्हाई टोल्ड अस टू फास्ट. इसीलिए यीशु मसीह ने हमें उपवास रखने के लिए बोला था. ही सेड इन मैथ्यू चैप्टर 6, उसने मैथ्यू चैप्टर 6 में बोला था, वर्स 17 Verse 17 में बोला 16, था. 17-18 says. 17-18 बोलता है. But when you fast, आप लोग जब उपवास को रखेंगे. Put oil on your head and wash your face. अपना सिर में तेल लगाइए और अपना मुंह को धोइएगा. So that it will not be obvious to others that you are fasting. कि वो दूसरे को दिखाई ना दे कि आप उपवास रख रहे हैं. But only to your father who is unseen. लेकिन वो खाली पिता परमेश्वर को दिखाई दे कि आप उपवास रख रहे हैं. And your father who sees what is done in secret will reward you. और आपका पिता जो गुप्त में आपको देखता है वो आपको उपहार देगा. Jesus knew the power of fasting. यीशु मसीह उपवास का शक्ति को वो जानता था. Before he started his ministry, he fasted for 40 days. वो अपना मिनिस्ट्री शुरुआत करने से पहले वो 40 दिन तक उपवास को रखा था. So he wanted his disciples also to fast and pray and receive miracles from God. इसलिए वो चाहता था कि उसका शिष्य भी उपवास रखे और प्रार्थना करे और परमेश्वर से वो अनुग्रह को पाए. But don't fast or pray in order to show to people. लेकिन आप लोग प्रार्थना और उपवास मत रखिए कि लोग आपको देख पाए. But fast and pray in secret to your Father in heaven. लेकिन आप लोग जब उपवास रखेंगे और प्रार्थना करेंगे तब आप गुप्त में पिता को कीजिए कि पिता आपको देख पाए. Why in secret? क्यों गुप्त में रखना है? If you don't believe in God, अगर आप परमेश्वर को भरोसा नहीं करते हैं, you will not do anything in secret. आप कभी भी कोई भी चीज गुप्त में नहीं करेंगे. You will like to do everything in public. आप पब्लिक में करना चाहेंगे. Because you believe in human being. क्योंकि आप मनुष्य में भरोसा करते हैं. And you want people to see what you do. और आप चाहते हैं कि परमेश्वर लोग आपको देख पाए. But if you believe in God, लेकिन आप अगर परमेश्वर में विश्वास करते हैं, whatever you do, जो भी आप करेंगे, you will do for God. आप परमेश्वर के लिए ही करेंगे. And if he sees, अगर वो देखता है, that's enough. वो आपके लिए काफी if, होता है. If nobody sees, that's no problem. अगर कोई भी देख नहीं पाता है, वो भी ठीक है. So here also in fasting, Jesus is telling you ought to fast in secret. इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है कि आपको उपवास रखना है गुप्त में. In the Bible we see two kinds of fasting. बाइबल में दो प्रकार का हम लोग उपवास को देख पाते हैं. One is a secret fasting. You and God only know. एक गुप्त उपवास जो परमेश्वर और आप जानते हैं. Then we have a public fasting. और उसके बाद एक public fasting है. Where we all together seek God. जब हम सभी परमेश्वर को उपवास रख के ढूंढते हैं. The today you see
Ahab was fasting in private. हम लोग आज आप देख पाए कि Ahab ने private में उपवास रख रहा था. God had to tell Elijah, go and see. Did you see how he is fasting? परमेश्वर Elijah को बोलना पड़ा कि Elijah जाके देखो वो fasting कर रहा है. But other people they fasted publicly. लेकिन बाकी लोग publicly fasting कर रहा था. So whether in your private life or in public life. आपका व्यक्तिगत जीवन में या public जीवन में. If you're a person who fasts and prays. आप अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो उपवास रखता है प्रार्थना करता है. You will be a very successful, powerful person. आप एक बहुत एक successful व्यक्ति होंगे और एक शक्तिशाली व्यक्ति होंगे. You will never have to be ashamed in front of people. आपको कभी भी लोगों के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा. You will always go forward. आप हमेशा आगे जा पाएंगे. Your life will not be rotten in some kind of a pit. आपका जीवन कभी भी एक गड्ढे में कीड़ा नहीं खाएगा. You will be progressing towards the kingdom of God every day. आपका जीवन रोज परमेश्वर के राज्य की तरफ चलते रहेगा. So I want you to take fasting and praying very seriously. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उपवास और प्रार्थना बहुत seriously ले और इसको कीजिए. Even the disciples in the New Testament fasted and prayed for many many purposes. और शिष्य भी New Testament में बहुत बार बहुत चीजों के लिए उन लोग ने उपवास रखा और प्रार्थना की. One example we see in Acts chapter 13 verse 3 he says. और एक उदाहरण हम लोग Acts chapter 13 verse 3 में हम लोग देख पाते हैं. So after they had fasted and prayed. और उन लोग ने जब उपवास रखा और प्रार्थना किया. They placed their hands on them and sent them off. और उन लोग ने उनका हाथों को उठाया और उन लोग के ऊपर रखा उन लोग को भेज दिया. This was a new church. ये एक नया कलीसिया था. And they were growing. और ये बढ़ रहा था. And there were many leaders coming together. और बहुत सारे leaders आ रहे थे. And then they had to send some people to evangelize the gospel to other parts of the world. और इसलिए बहुत सारे लोगों को evangelize करने के लिए भेजना था जगत के कोने-कोने तक. And they were asking God, Lord, who should go? इसलिए उन लोग ने परमेश्वर को पूछ रहा था कि परमेश्वर कौन किसको हम लोग भेजे. And then they fasted and prayed. उन लोग ने उपवास रखा और प्रार्थना किया. God showed them who should go. परमेश्वर ने दिखाया किसको भेजना है. So in the same way, we ought to be fasting and praying for any important decisions as well. इसी तरह हम लोग को उपवास रखना है और प्रार्थना करना है important decision को लेने के लिए. So we see in the Bible Moses fasted. हम लोग बाइबल में देख पाते हैं कि मोसेस ने उपवास किया. And he is the greatest prophet next to Jesus. और वो यीशु मसीह के बाद सबसे महान प्रोफेट था. Jesus fasted. यीशु मसीह ने उपवास रखा. He became the savior of the world. वो जगत का उद्धारकर्ता बन गया. Many many disciples fasted throughout New Testament and in the history. बहुत सारे शिष्य और disciples ने New Testament history में उपवास रखा था. In our own life we see every time we fast and pray God begins to do special work. और हम लोग का खुद का जीवन में नहीं हम लोग ने देख पाया कि जब हमने उपवास रखा और प्रार्थना किया परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कार्य को किया. There were times we failed to fast and pray. और बहुत सारे समय में हम लोग ने फेल किया उपवास रखने के लिए प्रार्थना करने के लिए. And then our life began to lose momentum. और हम लोग का जीवन मोमेंटम था उसको लूज करने लगा. So if you want to move forward in life, अगर आप लोग अपना जीवन में आगे चलना चाहता है, start fasting regularly. Fasting करना regularly शुरुआत कीजिए. And pray and fast in a private. और प्रार्थना कीजिए और उपवास रखिए private में आप लोग का व्यक्तिगत जीवन में. And then we fast and pray in public with the church. और उसके बाद public में हम लोग उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं. And that will bring great breakthroughs in life. और ये बहुत सारे आश्चर्य कार्य को लाएगा.